पुअर परफॉर्मेंस, पुअर इरेक्शन बहुत बार हमारे जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स है उस पर बहुत इम्पैक्ट करती है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका टाइम कम है तो ऐसा क्या किया जाए कि एटलीस्ट आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाए, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाए। जो बहुत सी कंसल्टेशन मैं लेती हूँ उसके अंदर प्राइमरी कंसर्न यही रहता है कि मैम मेरा तो नहीं हो पाया है, लेकिन वाइफ के साथ क्लैशेस बढ़ गए हैं क्योंकि वो कहती है कि मैं उनका ध्यान नहीं रखता। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि अपने टाइम की वजह से अपनी वाइफ के प्लेजर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कैसे अपने टाइम को बढ़ाया जाए और कैसे उन्हें भी सेटिस्फाई रखा जाए, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं, मैं पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं द टेक्निक्स टू सेटिस्फाई योर वाइफ इन केस योर टाइम इज लेस। तो मुझे पता है ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कम समय की। जब बहुत बार हम परफॉर्मेंस करते हैं और ऐसे में जो एक एवरेज टाइम होना चाहिए उससे बहुत जल्दी हमारा इजैकुलेशन हो जाता है, हम अपनी वाइटलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ये इरेक्शन लूज हो जाता है, उसकी वजह से बहुत बार कपल्स में क्लैशेस, एक दूसरे की ईगो पे पॉइंट्स करे जाते हैं, टॉन्ट कसे जाते हैं एक दूसरे को, और इसकी वजह से आपकी फैमिली बिगड़ते बिगड़ते कभी कभार इतनी बिगड़ जाती है कि उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, पेड सेक्स, ये सब भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। मेल्स की ईगो और डिग्निटी ही उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस की वजह से होती है, और जब इसी में ही क्वेश्चन किए जाए तो वो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और प्रॉब्लम सीक करने की बजाय खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ हुआ है तो बहुत सही समय है एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए और जानने के लिए कि किस तरीके से इसे इंप्रूव किया जाए। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये जानना है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से है, मेडिकल है, साइकोलॉजिकल है, क्या क्या इसके प्रोबेबल रीजंस हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लेकिन अब मैं आपको बात करूंगी कि अगर आपका पार्टनर नहीं सेटिस्फाई है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फीमेल की जो आपकी वाइफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, जिनके साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपका टाइम बहुत कम है तो क्या होगा कि वो तो इरेक्टेड रह जाएंगी लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर वो खिंचती हैं, चिल्लाती हैं कि क्या हो गया, मेरा प्लेजर है, मैं पॉइंट पे पहुंची नहीं पहुंची, मेरा रिलीज हुआ नहीं, मैंने कम किया या नहीं, तुम तो पहले ही बोल रहे हो जी अब नहीं हो रहा और अब इरेक्शन भी नहीं आ पा रहा है। तो क्या करना है? सबसे पहले जाने कि उनके प्लेजर पॉइंट्स क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे उन्हें इरेक्शन महसूस होता है, उन्हें स्टिमुलेशन महसूस होता है, वो कहीं पे भी टच करना हो सकता है, फिंगरिंग करना हो सकता है, क्लाइटोरिस प्ले करना हो सकता है, फोर प्ले करना हो सकता है, इस पे आपने डेफिनेटली ध्यान देना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा जल्दी हो गया है तो उन ये एक्टिविटीज करके आप उन्हें और अराउज, स्टिमुलेट और उनको ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकते हो। दूसरी बड़ी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको लगता है कि कितने समय से मेरा बहुत टाइम बहुत कम है, कभी होता है इरेक्शन कभी नहीं होता है, देन गो फॉर सेक्स टॉयज। आप अपने पार्टनर के लिए सेक्स टॉयज को अरेंज कर सकते हैं और सेक्स टॉयज को यूज करना कोई बहुत गलत बात नहीं है। गो फॉर गुड सेक्स टॉयज इफ यू फील दैट योर पार्टनर इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो जब आप उनको सेक्स टॉयज से स्टिमुलेट करेंगे, वाइब्रेटर्स रिंग यूज कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके के सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिल्डो की तरह होते हैं, जिनमें वाइब्रेशंस होती हैं, जो कि फीमेल को अराउज करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द ओरल स्टिमुलेशन। अगर आपको लगता है कि मैं पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरा इरेक्शन या टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में शुरू करें ओरल सेक्स करना, क्योंकि बहुत बार फीमेल्स को सकिंग करना या ओरली वजाइना को एंजॉय करना उन्हें बहुत प्लेजर देता है। सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। अगर आपकी फीमेल किस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और आपका टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में ये तीनों टेक्निक्स आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और उन्हें ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकती हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया है ऐसी टेक्निक्स, क्योंकि जब भी आप भी कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, किसी काउंसलर से बात करते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो हर चीज को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। अगर आप आज से कुछ आयुर्वेदिक शुरू कर रहे हैं तो कल ही आपको रिजल्ट नहीं देगा, धीरे 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 आपको रिजल्ट आएंगे, और तब तक के लिए अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए ये तीन मेजर पॉइंट्स आपने नहीं याद रखने हैं। क्लाइटोरिस प्लेइंग, लॉट्स ऑफ ओरल प्ले, लॉट्स ऑफ फोर प्ले, एंड इन एनी केस शी फील्स की जरूरत है। तो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने पार्टनर को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे
तब तक वो परेशान रहेंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो सिर्फ ऊपर वाले पे नहीं छोड़ना जरूरी है कि अब कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, दैट्स ओके। गो फॉर द ट्रीटमेंट, सीक एट राइट टाइम एंड ऑल्सो थिंक अबाउट योर वाइफ्स प्लेजर, क्योंकि प्लेजर इज इक्वल फॉर ऑल। और अगर आपकी वाइफ आपसे ही कंप्लेन करती रह जाएंगी तो फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद वो सेक्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तो ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहते हैं, खुद पे भी काम करें और उनके प्लेजर का भी ध्यान दें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत ज्यादा अच्छी क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होती हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मेरा साइकोलॉजी चैनल साइकोलॉजी सीखो, जिसपे मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स डालती हूँ, उसको जरूर 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 सब्सक्राइब करें जाकर। और पर्सनली बात करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर नेहा ऑफिशियल आपके पास हमेशा है। बने रहें, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो।